बिल्कुल राजेंद्र, जरा रामपुर पर नजर डालें। रामपुर में बहुत नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, 2020 मुकाबला हो रहा है यहाँ पर। रामपुर की कहानी तो समझ ही नहीं आ रही, रुझानों से कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता है, ऐसी कंडीशन है। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट जो है वो आपके सामने रख दें। आसिम रजा आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, और ऐसे में जो अंतर है वो 1300 वोटों का बताया जा रहा है। इतने वोटों से आगे चल रहे हैं, इतने काउंटिंग के बाद जब रामपुर के रुझानों की तस्वीर देखें तो मात्र 1300 वोट है जिससे आसिम रजा आगे चल रहे हैं, वो भी बहुत सिचुएशन अप एंड डाउन जैसी दिखाई दे रही है। कभी भी आंकड़े बदल जा रहे हैं, कभी भी ये रुझान बदल जा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाइए कि रामपुर में फाइट बहुत तगड़ी है। मैनपुरी की फाइट कहीं ना कहीं एक तरफा होती दिखाई दे रही है। जसवंत नगर सीट पर आप देखें तो सबसे बड़ा गैप है, जो कि इस रुझान को कहीं ना कहीं एक तरफा बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैनपुरी से तस्वीर जो है वो ग्रीन सिग्नल के साथ सामने, लेकिन रामपुर का कहना मुश्किल, रामपुर के रुझानों का कुछ भी कहना मुश्किल, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। किसके पक्ष में रुझान बदल रहे हैं कहना मुश्किल है। 1300 वोटों से आगे आसिम रजा समाजवादी कैंडिडेट। आइए आपको पूरी तस्वीर दिखा देते हैं, इन रुझानों की पूरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। खतौली की, रामपुर की, मैनपुरी की सारी तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। खतौली में दूसरे राउंड में आरएलडी आगे चल रही है, मदन भैया आगे हैं। मैनपुरी में जसवंत नगर क्षेत्र में सातवें राउंड की काउंटिंग पूरी, और डिंपल यादव 20,000 वोटों से आगे जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में। जी, सबसे ज्यादा आगे, सबसे ज्यादा बड़ी लीड डिंपल यादव के पास। यहीं से तीनों सीटों पर मतगणना का सबसे ताजा अपडेट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। रामपुर में 1300 वोटों से सपा प्रत्याशी आसिम राजा आगे। खतौली में राजकुमारी सैनी 970 वोटों से आगे दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद। मैनपुरी में जसवंत नगर क्षेत्र में सातवें राउंड की काउंटिंग पूरी, डिंपल यादव आगे यहां से 20,000 वोटों से आगे। डिंपल यादव जसवंत नगर इलाके में, जसवंत नगर क्षेत्र में। यूपी की तीनों सीटों पर मतगणना का सबसे ताजा अपडेट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एबीपी गंगा आपको बता रहा है, रामपुर में 1300 वोटों से सपा प्रत्याशी आसिम राजा आगे। खतौली में राजकुमारी सैनी आगे 970 वोटों से, आसिम राजा रामपुर में आगे 1300 वोटों से, राजकुमारी सैनी आगे 970 वोटों से खतौली में, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और जसवंत नगर में 20,000 वोटों से डिंपल यादव आगे। बड़ी लीड उनकी जसवंत नगर में। तीनों सीटों पर मतगणना का सबसे ताजा अपडेट इस वक्त। रामपुर में सपा आगे, खतौली में बीजेपी आगे, और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी आगे। यानी कि अभी तक रुझानों में अपडेट स्कोर उत्तर प्रदेश में 2-1 से सपा के पक्ष में है। फिलहाल मैनपुरी में भी सपा आगे है, रामपुर में भी सपा आगे है, और खतौली में बीजेपी आगे है। फिलहाल ताजा अपडेट रुझानों का यह है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हम सारे आंकड़े भी रख रहे हैं। तीनों सीटों पर मतगणना का सबसे ताजा अपडेट यह रहा। रामपुर में 1300 वोटों की लीड सपा के पास, खतौली में 970 वोटों की लीड बीजेपी के पास, और मैनपुरी में अच्छी खासी लीड समाजवादी पार्टी के पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।